खुद इतना परेशान हूँ कुवैत में ड्राइवरों के साथ, इतना बुरा हाल होता है। आप जब इंडिया में होंगे तो बोलेंगे कि भाई आपकी सैलरी इतनी है, वहाँ जाके आपको कम मिले, ये भी होता है, ये भी होता है गाइस, ये भी होता है। लेकिन वो होगा कैसे, मान लो कि आपको जो वहाँ पे जो नॉर्मली सैलरी होती है ना, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुवैत में ड्राइवर की क्या लाइफ होती है, कितनी सैलरी होती है गाइस, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ये वीडियो को देखने के बाद ना आपका जो नज़रिया है बिल्कुल बदलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाला लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल गाइस। आपने से शायद काफ़ी लोगों ने मुझे देखा भी होगा, मेरे एक और चैनल है विपिन गुजेला, उस पर देखा होगा, बट ये मेरा है नया चैनल विपिन गुजेला 2.0। इस चैनल पे हम सिर्फ जॉब्स के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं, और मैं किसी को डीमोटिवेट करने नहीं आया हूँ इस वीडियो में, इसलिए पहले बता देता हूँ जो सच्चाई है। जो मैं देखो कुवैत में 5 साल मैं रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है कुवैत का। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने पुराने चैनल में बना रखा है, शायद काफ़ी लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी भी होंगी, तो ये नई वीडियो है, तो मैं सब कुछ बता देता हूँ कि काफ़ी लोग बोल रहे कि भाई कुवैत में कार ड्राइवर की क्या सैलरी है, क्या लाइफ होती है, सब कुछ बताओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने फेस भी किया हुआ, और भी वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, अब तक मैंने काफ़ी संभाल के रखी है, आने वाली वीडियोज़ में लेके आऊँगा। उससे पहले इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए, अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँ मैं आने वाले टाइम पे। और वीडियो का लाइक का टारगेट हम 30 रखते, ज़्यादा नहीं। अभी जो मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी उसमें आप सभी लोगों ने लाइक का टारगेट पूरा किया, थैंक यू सो मच जिसने भी लाइक किया। कमेंट में जो भी आपको पूछा है ना पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो लाऊंगा। और मेरा ये वादा आप सभी लोगों से, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर जहां पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो ना, मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा, मैं आप लोगों को रास्ता दिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। रास्ता दिखाना मेरा काम है, चलना आपका काम है। क्या मेरी वीडियोज़ को देख के चलना चाहते हो या किसी और की वीडियोज़ को देख के चलना चाहते हो, जैसा मैं बोलूँगा वैसा वैसा करते जाओ, आप अपने आप पहुँच जाओगे जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, सपने पूरे करो। तो ये फटाफट उठने का टाइम है गाइस, उठो फटाफट सपने पूरे करो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। सो देखो कुवैत में ड्राइवर की क्या लाइफ होती है। एक देखो कुवैत में ड्राइवर कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ लोग होते हैं ड्राइवर जो घरों में काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कंपनीज के अंदर काम करते हैं, तो कुछ होते हैं जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं बस ड्राइवर्स होते हैं, तो अलग अलग ड्राइवर्स की अलग अलग लाइफ होती है। इसमें मैं बात करने वाला कुवैत में जो हाउस ड्राइवर है उसकी क्या लाइफ होती है, उसकी क्या सैलरी होती है, किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना अपना व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में, ताकि और लोगों को पता लगे कि एक्चुअली वहाँ होता क्या है। जब ये बात सुनकर आप खुद हैरान हो जाओगे कि कुवैत में ड्राइवरों के साथ ऐसा होता है, सच बता रहा हूँ, मैं खुद इतना परेशान हूँ कुवैत में ड्राइवरों के साथ, इतना बुरा हाल होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। देखो सबसे पहले आपने अप्लाई किया, किसी के भी थ्रू अप्लाई किया, किसी या तो एजेंट के थ्रू अप्लाई किया होगा या तो कोई आपका जानकार होगा। कुवैत में जो हाउस ड्राइवर होता है ना, उसमें अप्लाई करने का सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, वैसे तरीके तो और भी होते हैं, लेकिन जो मेजरली जिसे बोलते हैं कि हाँ 100 में से 95% लोग इस तरीके से रहते हैं, एक होता है 95% जो होते हैं ना वो एजेंट्स के थ्रू जाते हैं, यानी आपने किसी कंसल्टेंसी दलाल को पकड़ा, उसने आपका इंटरव्यू वगैरह करवाया, जो भी है अपने आपसे उसने पैसे लिए फिर करवाया। कुछ कुछ कंसल्टेंसी पैसे भी नहीं लेते, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनका जो कि ओनर होता है ना कुवैत से, जो भी हायर कर रहा था कुवैत से कंसल्टेंसी को दे देता है, कंसल्टेंसी वाला फिर आपसे हायर नहीं करता, बस सीधा आपको डायरेक्टली वहाँ भेज देता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी आई नो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके जो सारी क्वेरीज है ना सब कुछ खुल जाएगा कि कुवैत में ड्राइवरों के साथ ऐसा हाल होता है, सच बता रहा हूँ मैं। तो आपने एजेंट को चलो पैसे नहीं दिए, एक तरीका होता है पैसे देकर, एक होता है बिना पैसे देके। तो भाई उसने आपको ये भी बताया, मैं आपको ये भी बताऊंगा सैलरी का क्या क्राइटेरिया होता है। तो भैया आपने अप्लाई किया या आपका कोई जानकार हो उसने वीज़ा निकाल के दे दिया, आप चले गए। अब बात करते हैं कि आप कुवैत में पहुंच चुके हो, कुवैत में पहुंचने के बाद क्या आपको पहले दिन ही जो आपके अगर घर के ड्राइवर हो, जैसे आप इंडिया का हाउस ड्राइवर की लाइफ अलग होती है, कुवैत की हाउस ड्राइवर जो कुवैत में हाउस ड्राइवर की लाइफ है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। वहाँ पर आप जैसे मान लो आज पहुँच चुके हो कुवैत में, तो आज क्या होगा, मान लो आप सुबह पहुँचे शाम को पहुँचे अपना आराम किया, एक दिन आपको पहले वो दिखाएगा, या तो अगर कोई और ड्राइवर भी होगा तो वो आपको ले जाके दिखाएगा कि भाई ये काम होते हैं, ये सारी चीज़ें ये रास्ते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा घर नहीं है तो ठीक है, ज़्यादा छोटा घर है तो भाई या तो आपका ओनर आपको बताएगा कि भाई आपको सुबह उठना है, 6 बजे उठना है, सुबह 6 या जो भी 5 बजे उठना है, सबसे पहले उठकर आपको अपनी गाड़ी धोनी है, जो भी आपकी घर की गाड़ी होगी वो खुद आपको धोनी है,
ये आपका काम है वहाँ पे कि भाई सब सुबह उठ कर आपको अपनी गाड़ी धोनी है, उसके बाद अगर बच्चे हैं उसके तो भाई बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है। कहने का मतलब ये है कि देखो आपका जो उनको पहली बात तो घर जो है, घर आपको वो खुद रहने के लिए देगा, एक कमरा देगा। घर कहने का तो मतलब दूर की बात है, एक होता ना एक छोटा सा कमरा दे दिया, उसी में आपका बिस्तर विस्तर सारी चीज़ होगी। खाने का सीन ऐसा है भाई, खाने के लिए या तो वो आप अगर आप बोलोगे कि भाई मैं खुद से बनाऊंगा तो उसके लिए वो आपकी सैलरी के अलावा आपको 20-25 केडी दे देगा, ठीक है मान लो है ना, तो 20 से 25 केडी आपको सैलरी के अलावा देगा वो खाने खाने के लिए। उसमें फिर आपका खाने का कोई सीन नहीं होगा, आप खुद बनाओ खुद जो भी करना है करो। अगर 20-25 केडी नहीं ले रही तो उसके घर में खाना बन रहा है, जो वो खाना खा रहे हैं वही खाना फिर आपको जो भी है, फिर या तो शायद आपके लिए अलग खाना बनेगा या जो वो लोग खा रहे हैं उसमें से जो भी उस तरीके से वो आपको देंगे। सही है, फिर ये तो हो गया खाने की बात। अब बात करते हैं कि भाई काम का बात होती है, तो काम है गाइस ये कि भाई जब जब वो आपको कॉल करेंगे ना, मान लो आप अपने कमरे के अंदर बैठे ही नहीं कि आपका कमरा यहाँ से और काफ़ी दूर नहीं, अगर भाई एक घर बने वहाँ पे घर काफ़ी अच्छे अच्छे बने होते हैं, घर के नीचे ही एक कमरा दिया होता है, तो भाई वो कॉल करेगा हाँ भाई गाड़ी निकालो। भाई तरीका होता है, कुछ कफील अच्छे भी होते हैं कुछ कफील बेकार भी होते हैं, मैं सबको बुरा नहीं बोलूँगा सबको अच्छा भी नहीं बोलूँगा। ज़िंदगी में हर जगह हर कुछ लोग अच्छे भी हैं कुछ लोग बुरे भी हैं, किसी को ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पे सारे लोग अच्छे हैं ठीक है और या वहाँ पे सारे लोग बुरे, नहीं अच्छे लोग भी बुरे लोग हैं, बात खत्म। तो अब ये आपकी किस्मत के ऊपर बात है, लेकिन मैं आपको अपना सजेशन भी दूंगा कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन बात करते हैं कि भाई काम क्या रहेगा, सुबह उठ के आपकी गाड़ी वाड़ी का धोने का काम होगा, घर घर आप अपने फिर गाड़ी का काम हो गया, उसके बाद चलो आप चले गए अपने रूम में, उसने कॉल किया कभी भी आप कुछ भी कर रहे हो, टू भी सो रहे हो जग रहे हो, उससे उसको मतलब नहीं है, उसने आपको कॉल किया हाँ भाई मेरे को मार्केट जाना है, तो मार्केट या तो उसके घर में उसकी बीवी को लेकर जाना पड़ेगा या क्या पता वो फैमिली के साथ ही, जब जब कहने का मतलब है कि जब जब वो आपको कॉल करेगा कि भाई गाड़ी निकाल तो आपको गाड़ी निकालनी पड़ेगी, कोई आपका टाइम टेबल नहीं होता हाउस ड्राइवर की लाइफ में वहां पे कि हाँ भाई मेरी 9 घंटे की ड्यूटी 10 घंटे की, कुछ कुछ होता है कि आपकी 3-4 घंटे देखा जाए टोटली 3-4 घंटे का काम है, लेकिन वो काम है मुश्किल क्योंकि सुबह 5-6 बजे से लेकर रात के 10-11 भी बज जाएंगे, किसी दिन पार्टी 10-11 भी बज गए, तो मतलब ये लाइफ रहेगी आपकी ही। आप घर में तो बैठे हो कॉल कर दिए भाई सीधा चलो गाड़ी निकालो चलो मार्केट चलो स्कूल चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, तो आपको लेके जाना पड़ेगा, ये होता है काम हाउस ड्राइवर का। अब बात करते हैं कि भाई चलो कि सैलरी का क्या सीन है, खाने पीने का तो मैंने आपको बता दिया भाई खाने पीने का सीन है, तो अगर खाने पीना आपका पैसा चाहिए तो पैसा ले लो 20 के, नहीं तो उनके जो भी खाना वाना वो बनाएंगे या जो भी उनके कुक होंगे घर में, क्या पता आपका अलग से कोई खाना बने तो वो खाना। अब बात करते हैं सैलरी को लेकर, भाई आपकी सैलरी का देखो ऐसा भी बोला जाता है कि भाई आप जब इंडिया में होंगे तो बोलेंगे कि भाई आपकी सैलरी इतनी वहाँ जाके आपको कम मिले, ये भी होता है ये भी होता है गाइस ये भी होता है, लेकिन वो होगा कैसे, मान लो कि आपको जो वहाँ पे जो नॉर्मली सैलरी होती है ना हाउस ड्राइवर की, तो हाउस ड्राइवर की सैलरी होती है 100 केडी 90 केडी 100 केडी 110 120 केडी, अगर आपको अच्छे से गाड़ी वाड़ी चलानी आती होगी, आपने पहले दुबई वुबई में या सऊदी में काम किया होगा तो सही है, तो मान लो आपकी सैलरी है 100 केडी, यहाँ से बोला कि आपको 100 केडी सैलरी मिलेगी, 100 केडी इंडिया का आज के हिसाब से 1 केडी का रेट है 275 रुपये, तो मतलब 27,500 रुपये सैलरी हो गई आपकी। अब आपको लग रहा है कि 27,500, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा गैस खर्चा भी उस हिसाब से सोचो, मैं आपको अपना सजेशन दूंगा कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 100 केडी सैलरी है वहाँ पे आप गए हो, वहाँ पे भाई आपको ये भी बताऊंगा कि लाइसेंस का क्या सीन है, गाड़ी कब मिलेगी है ना, ये भी मैं चीज़ आगे बताऊंगा कि मान लो वहाँ पे गए हो, पहले सैलरी के बारे में बताता हूँ कि सैलरी का कैसी है। सैलरी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि भाई मान लो 100 केडी आपने आपको बताया कि 100 केडी सैलरी है, लेकिन जब वो आप काम कर रहे हो और आपको पता लगा कि वो कि भाई वहाँ की तो जो ड्राइविंग है वो दूसरी साइड में, तो अपने इंडिया में तो एक साइड में होती है वहाँ पे दूसरी साइड में होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है, लेकिन मैं ये सब लोगों को यही बोलूँगा डरने की कोई बात नहीं है। जब भी आप ड्राइविंग कर रहे होंगे, मान लो ड्राइविंग आज पहला दिन है, उसने देखा 2-3 दिनों में यार इसको तो ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती, तो नया बंदा है तो क्या पता आपकी सैलरी भी कम कर दे, फिर आप सोचोगे कि यार उसने सैलरी भी कम, 1 महीने के बाद आपको पता लग रहा है कि सैलरी कम आ रही है, पूछोगे तो बना कर, अगर वो भाई बोलेगा कि मैं तो इतनी दूंगा कर लो क्या करोगे, तो भाई क्या कर सकते हो, इतनी दौड़ छोड़ के देश को छोड़ के आप यहाँ इतनी दूर कमाने होगे, तो 10 केडी बोले तो भाई 2,500-3,000 रुपये गए एक तरह से, तो आप बोलो कोई नहीं यार गए तो। ऐसे काफ़ी लोगों के साथ हो रखा है, मैंने खुद मतलब लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस किए इंस्टाग्राम पे, और शायद कोई अगर ड्राइवर देखा तो भाई कमेंट ज़रूर करना, आपके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, और ऐसा होता है गाइस ट्रस्ट मी, तो ये होता है अगर आप अच्छे से ड्राइविंग करोगे तो क्या पता वो सैलरी ना काटे आपकी। अब बात करते हैं कि पहले दिन की आपको गाड़ी चलाने के लिए मिल जाती, नहीं आपको गाड़ी चलाने के लिए जब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक आपका कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल जाता या बन जाता, ड्राइविंग लाइसेंस जब बनेगा तो आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है 2 से 3 दिन की, हाँ भाई आपको आती है या नहीं आती अच्छे से वो देखते हैं, प्रॉपर टेस्ट होता है ड्राइविंग का, ये नहीं अपने इंडिया की तरह कि हाँ भाई अपने टाइम में तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बना था कि हाँ भाई
बिना ड्राइविंग टेस्ट के अपना ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। लेकिन कुवैत में सिस्टम नहीं, कुवैत में वो चेक करेंगे आपको ड्राइविंग आती है अच्छे से नहीं आती, तब जाके आपको ड्राइविंग का लाइसेंस मिलेगा। ये होता है ड्राइविंग के ऊपर गाइस। तो ये सारी चीज़ें, ये लाइफ, सैलरी, खाना पीना रहना मैंने आपको बता दिया, और ख़र्चा भी अगर बात करें तो भाई खर्चा कितना आता है, कितना एजेंट ले लेते हैं। एजेंट डिपेंड करता है भाई, कोई 50,000 भी, 60-70, मतलब 80-90 हज़ार, 1-1 लाख में मैंने ऐसे देखा है कि 1-1 लाख रुपए देके लोग आ रहे हैं। और जो मोस्टली जो लोग हैं ना, मेजोरिटी में जो लोग मैंने देखे हैं कि कौन आते हैं, वो आते हैं मोस्टली साउथ साइड से, जो लोग होते हैं कर्नाटका साइड से हो गए, ये लोग साउथ साइड के जो लोग हैं ना वो ज़्यादा आते हैं। तो गैस मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप जितना हो सके अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करो, ताकि क्या पता आपके ग्रुप में कोई, आपका फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा हो साउथ साइड का, वो देखे तो पता लगे। तो मैं चाहता हूँ, मेरा सजेशन यही है कि भाई कोई भी अगर साउथ साइड का बंदा देखता है या जा रहा है तो वो सोच समझ के और संभल कर जाए। मैं यही दुआ करूंगा कि किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि मैं एक वीडियो लेके आऊंगा गाइस, जिसमें मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा, वीडियो देखना जरूर, 2-4 दिनों में मैं डालूंगा उस वीडियो को, कि कुवैत में कैसे बुरा हाल करते हैं ड्राइवर का। मैं तो बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा कि भाई इस जॉब के लिए आप आओ, क्योंकि सैलरी भी कम है, फिर इतना आपको सहन करना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली जॉब होती है ये। क्योंकि खुद सोचो, सुबह 6 बजे उठ रहे हो, रात को सो रहे हो 11 बजे, और कभी भी मान लो, चलो भाई इंसान को दोपहर में भी नींद आती है, और छुट्टी का तो भाई कोई छुट्टी नहीं है हाउस ड्राइवर में गाइस, कोई छुट्टी नहीं है वहाँ पे आपकी, कि आज हफ्ते एक दिन की छुट्टी, ना 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 ना, भूल जाओ, वो सब नहीं है वहाँ पे। क्योंकि हाउस ड्राइवर में काम कर रहे हो तो भाई आपको, मेरे को लगता ही नहीं है, अगर कोई हाउस ड्राइवर देख रहा तो प्लीज़ बताओ कि आपको छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती भाई, कुवैत, दुबई, सऊदी, जहाँ से भी कहीं देख रहे हो तो आप, सही है। तो भाई वहाँ पे कोई छुट्टी नहीं आपको, मान लो आप सो भी रहे हो ना गहरी नींद, मान लो दोपहर को होता खाना खाने के बाद सो जाते हैं, सो रहे हो, कॉल कर दिया, चलो भाई क्या करोगे, तो ये लाइफ है, इससे बड़े तो कुछ और काम कर, कुछ और काम में चले जाओ, सबसे बेस्ट हुआ है। लेकिन हाँ भाई, जिसकी मजबूरी है तो भाई क्या ही बोले यार, मैं तो यही बोलूँगा कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो, सब अच्छे से जाएं और अपना अच्छे से पैसा कमा के आए। तो बस ये चीज़ है गाइस। तो प्लीज़ यहाँ तक वीडियो को देखा तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पे वो सब्सक्राइब करो, लाइक करोगे तो अपने आप यूट्यूब क्या ऑटोमेटिकली आगे पहुंचाएगा और लोगों तक। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो आप आगे चाहते हो। चलो आज के लिए, तो वही, टेक केयर, जय हिंद।